गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए बच्चों, आज के दिन की शुरुआत हम भगवान का नाम लेकर करते हैं। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और दोनों हैंड्स फोल्ड कर लीजिए। हम अपने विद्यालय का प्रार्थना गीत गाएंगे। सुबह सवेरे लेकर के गाना प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर के गाना प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। बच्चों, आज का सुविचार सुनिए। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ये देखिए, ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही है। इसका अर्थ है, अगर हम पूरे हिम्मत और जोश से किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हम सफल अवश्य होते हैं। अब आप अपनी नव भारती पुस्तक ओपन कर लीजिए। हम इसका लेसन नंबर 13 पढ़ेंगे। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि आप अपनी आँखों की देखभाल कैसे कर सकते हो। आप इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। तो बच्चों, अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 81 ओपन कर लीजिए। हम यह कहानी पढ़ना शुरू करेंगे। ये कठिन शब्द देखिए जो इस पाठ में आए हुए हैं, आप इनका ध्यान से उच्चारण कीजिए और इनकी रिटर्न प्रैक्टिस भी कर लेना। पहला वर्ड देखिए, बिस्तर। बिस्तर के नीचे लिखा हुआ है डॉक्टर। देखिए, डॉक्टर के ऊपर आपने अर्धचंद्र लगाना है और बिंदी नहीं लगानी। इसका उच्चारण हम इस तरह से करेंगे, डॉक्टर। उसके बाद है विटामिन। सेकेंड लाइन देखिए, दर्द। बर्गर, अस्वस्थ। अस्वस्थ का अर्थ है बीमार। आप पाठ में आए शब्दों के अर्थ देखिए। सबसे पहले है अस्वस्थ। अस्वस्थ का मीनिंग है बीमार, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। नज़दीक मतलब पास। डॉक्टर, चिकित्सक, जो हमारा इलाज करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं थैंक यू, हिंदी में क्या बोलते हैं, धन्यवाद और शुक्रिया। बच्चों, कहानी में हम स्त्रीलिंग शब्दों को भी सर्कल करेंगे, इसीलिए मैं पहले आपको स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में बताती हूँ। हमने जब हिंदी ग्रामर का लेसन 6 किया था, उस लेसन में हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान की थी। एक बार चलो फिर से हम रिवीजन करते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाती हूँ और उनके बारे में बताती हूँ। ये देखिए, ये जो चित्र बना हुआ है, इसमें एक लड़की है और साथ में कौन है, दादी जी। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि इनसे हमें स्त्री जाति का बोध होता है। ये देखिए, ये किताबें हैं। देखिए बच्चों, अब किताबें,
इस शब्द को कैसे बोलते हो? मेरी किताबें या मेरा किताबें? तो हम इसे हम बोलेंगे मेरी किताबें। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, तो ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, क्योंकि हम इसे स्त्रीलिंग की तरह बोल रहे हैं। ये देखिए, ये कुर्सी का चित्र है और कुर्सी भी स्त्रीलिंग शब्द है। इसे हम क्या कहेंगे? मेरी कुर्सी। तो बच्चों, स्त्री जाति की जानकारी देने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। और उदाहरण देखिए, महिला, बालिका, छात्रा, बाघिन आदि। अब हम चैप्टर की रीडिंग करते हैं और साथ साथ स्त्रीलिंग शब्दों को सर्कल भी करते हैं। तो बच्चों, ये देखिए आपकी बुक का है पेज नंबर 81। हम यह पेज रीड करेंगे। इस पर यह कहानी दी हुई है और ये है पेज नंबर 82। आप इन्हें ध्यान से सुनना और उसके बाद रीडिंग करना। देखिए बच्चों, यह रमन नाम के लड़के की कहानी है। अब मैं कहानी पढ़ना शुरू करती हूँ। रोज की तरह आज भी रमन अपनी आंखें मलते हुए सुबह सुबह बिस्तर से उठा। उसे आंखों में कुछ दर्द सा महसूस हुआ, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान ना देकर रमन तैयार होकर विद्यालय के लिए रवाना हुआ। देखिए बच्चों, इसमें बताया गया है कि जब रमन सुबह उठा तो उसकी आंखों में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वह स्कूल के लिए चल दिया। रवाना हुआ मतलब स्कूल के लिए चल पड़ा। धीरे धीरे रमन की आंखों में तेज दर्द और चुभन भी होने लगी, लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, उसकी आंखों में और ज्यादा दर्द हुआ और ऐसा लगा कि उसकी आंखों में कुछ चुभ भी रहा है। आंखों के दर्द से परेशान रमन मुंह लटकाए अपने घर पहुंचा। मुंह लटकाए मतलब क्योंकि उसे दर्द हो रहा था इसलिए वह बहुत परेशान था, वह उदास हो गया। और वह जब घर पहुंचा तो वह बहुत दुखी था। घर पहुंचने तक रमन की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। देखिए, क्योंकि उसकी आंखों में दर्द था इस वजह से उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। ये देखिए बच्चों, मैंने इसमें स्त्रीलिंग शब्दों को भी सर्कल किया है और इसमें आंखें शब्द स्त्रीलिंग है। आप भी अपनी बुक में इस शब्द को सर्कल कर लेना। देखिए, आंखें शब्द कई बार आया है और जितनी बार भी आया है आप उसे सर्कल करेंगे। उसकी लाल आंखों को देखकर माँ ने हैरानी से पूछा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई? देखिए, जब रमन घर वापस आया तो उसकी आंखें बहुत लाल थी, तो उसे देखकर माँ बड़ी परेशान हुई और माँ ने पूछा, ये तुम्हारी आंखें लाल कैसे हो गई हैं? तो रमन बोला, पता नहीं क्यों माँ, सुबह से ही आंखों में दर्द वह चुभन हो रही है। अब तो आंखों से पानी भी निकल रहा है। माँ ने रमन की आंखों में पानी के खूब छींटे दिए। ऐसा करने से रमन को थोड़ा सा आराम लगने लगा। देखिए, क्योंकि उसकी आंखों में दर्द था तो माँ ने उसे कहा कि पानी के छींटे डाल लो, तो उसने ऐसा ही किया तो उसकी आंखों में थोड़ा सा आराम मिला। देखिए, जब आंखों में दर्द होता है तो हम पानी के छींटे देते हैं, इससे आंखों को ठंडक मिलती है और आंखों का दर्द कम हो जाता है। शाम होते ही माँ रमन को आंखों के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने आंखों की
जांच करने के दौरान पूछा, दौरान मतलब करने के समय, जब डॉक्टर रमन की आंखें चेक कर रहे थे तो उन्होंने रमन से कुछ सवाल पूछे। देखिए क्या पूछते हैं, रमन तुम कहाँ बैठकर पढ़ते हो? रमन कुछ बोलता उससे पहले ही माँ बोली, डॉक्टर साहब बिस्तर। बिस्तर पर लेटकर कॉपी किताब को बहुत पास रखकर पढ़ता है, टीवी तो इतने पास से देखता है जैसे उसी में घुस जाए। तो देखिए, तो डॉक्टर को बताया गया कि रमन लेट कर पढ़ता है और कॉपी किताब को आंखों के बिल्कुल पास रखता है, और जब वह टीवी देखता है तब भी वह टीवी के बिल्कुल पास बैठ जाता है। रमन चुपचाप सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि अक्सर माँ ऐसा करने से के लिए मना करती थी। देखिए, माँ ने ये सब बातें डॉक्टर साहब को बताई तो रमन कुछ नहीं बोला, क्योंकि माँ तो उसे ऐसा करने से मना करती थी, लेकिन रमन उनकी बात पर ध्यान नहीं देता था। डॉक्टर ने दूसरा सवाल किया, रमन तुम्हें खाने में क्या-क्या पसंद है? रमन चहकते हुए बोला, मैगी, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट। देखिए बच्चों, ये सारे फूड कैसे हैं? ये सारे जंक फूड हैं। बताओ, क्या हमें इन सबको खाना चाहिए? हाँ, ये तो आप जानते ही हैं कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। आगे देखिए, इसके बाद माँ बोली, इसे बाहर की ऐसी ही चीजें पसंद है, हरी सब्जियां, दाल, दूध, दही, फल आदि को देखते ही टाल मटोल करना शुरू कर देता है। टाल मटोल करना शुरू करता है मतलब वह इन सब चीजों को खाने से मना कर देता है। देखिए बच्चों, इसमें जिन शब्दों को मैंने सर्कल किया है वे भी स्त्रीलिंग शब्द हैं। देखिए, कॉपी, किताब, माँ, मैगी, चॉकलेट, सब्जियां, दूध। जैसे मैंने बताया था कि आप इन शब्दों के साथ मेरी लगाकर देख सकते हो, जिन शब्दों के साथ, जैसे मेरी किताब, मेरी कॉपी, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। तो देखिए बच्चों, डॉक्टर साहब रमन को बता रहे थे कि तुम टीवी बहुत नजदीक से देखते हो, इसलिए टीवी को बहुत नजदीक से देखना आदि, पढ़ते समय कॉपी किताब को लगभग 12 इंच की दूरी पर रखना चाहिए। 12 इंच मतलब जैसे आपके पास स्केल है उसमें नंबर लिखे होते हैं 1 2 3, तो आप देख सकते हैं 12 इंच कितना होता है, और अपनी आंखों से अपनी बुक को उतनी दूरी पर जरूर रखना चाहिए। तुम इन बातों का ध्यान रखोगे तो तुम्हारी आंखें कभी खराब नहीं होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी बताई बातों पर ध्यान दोगे। तो देखिए बच्चों, ये जो बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं, तो वे रमन को कहते हैं कि तुम्हें इन सब बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए बच्चों, और आपको भी पढ़ते समय इन बातों की तरफ बिल्कुल पूरा ध्यान देना चाहिए कि आप कभी भी लेट कर नहीं पढ़ेंगे और हमेशा खाने पीने का ध्यान रखेंगे। रमन बोला, डॉक्टर अंकल, मैंने तय कर लिया है कि, तय कर लिया है मतलब मैंने पक्का निश्चय कर लिया है, अब मैं बाहर की नुकसानदायक चीजें नहीं खाऊंगा। देखिए, जैसे पहले रमन क्या क्या चीजें खाता था, मैगी, बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट, लेकिन उसे पता चल गया कि ये सब चीजें हमारी आंखों के लिए और हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तो उसने यह निश्चय किया कि अब वह आगे से ऐसी चीजें नहीं खाएगा, बल्कि हरी सब्जियां और फल खाएगा।
पढ़ते समय भी कुर्सी पर सीधे बैठकर ही पढ़ूंगा। जब भी टीवी देखूंगा तो दूर बैठकर, पास से नहीं। रमन की समझदारी भरी बातें सुनकर माँ खुश हुई और डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए बाहर आ गई। देखिए, अब रमन डॉक्टर की बातें समझ गया था तो माँ भी उसकी बातों से बहुत खुश हुई और उन्होंने डॉक्टर को धन्यवाद दिया। धन्यवाद मतलब शुक्रिया किया उनका, उन्हें थैंक यू बोला। तो बच्चों, इस कहानी से पढ़कर आपको क्या संदेश मिला? आंखों को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे खान पान के साथ साथ पढ़ने व देखने का तरीका भी सही होना चाहिए। बच्चों, अगर हम अपनी आंखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, स्वस्थ मतलब सेहतमंद, हेल्दी, अगर आप चाहते हो कि आपकी आंखें हमेशा ठीक रहे, तो आपको खाने पीने का ध्यान रखना होगा और इसके साथ साथ पढ़ने व टीवी देखने का तरीका भी सही रखना होगा। जो बातें इस चैप्टर में आपने पढ़ी हैं, आप भी उन सब बातों का अवश्य ध्यान रखोगे तो आपकी आंखें कभी खराब नहीं होंगी। तो बच्चों, आज का सुलेख देखिए, हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। ये देखिए, सब्जियों की स्पेलिंग में जो आधा ब है उससे पहले आपने छोटी ई की मात्रा लगानी है। तो आप ये लाइन 5 बार अपनी रफ नोटबुक पर लिख लीजिए। तो बच्चों, आपको यह चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप भी इसकी ध्यान से रीडिंग करना और कठिन शब्दों की लिखकर प्रैक्टिस करना। थैंक यू।